स्मिल रहीम हम जबकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हम उसमें एक्सपेक्टेशंस के लिए एडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं तो जब दुनिया में रैशनल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के मॉडल में एक, एक दो एक्सटेंशन हुई एक एक्सटेंशन एक्टिविस्ट्स की तरफ से हुई एक एक्सटेंशन जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की नॉन एक्टिविस्ट की तरफ से हुई तो चूंकि हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन का की वो भी पढ़ लें, जो पे बेस करती है और ऐसी दो हैं पहली एक्सटेंशन है न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के नाम से जानी जाती है इसको जिस नाम से जाना जाता है जिस इकोनोमिस्ट का वो रॉबर्ट लूकस है ये न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या है इसकी पहले बेसिक समझते हैं क्योंकि ये नॉन एक्टिविस्ट इकोनॉमिस्ट हैं तो इसका मतलब है कि इनके मॉडल में अजम्पन भी वैसी ही होंगी जैसे मैं एक्टिविस्ट और नॉन एक्टिविस्ट की डिबेट में आपको बता रहा था इनकी अजम्पन में यह है कि जो वेजेस और प्राइसेस हैं दे आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल तो इसका मतलब है इकोनॉमी में कुछ हो जाए मसलन ऑयल प्राइसेस चेंज हो जाए या मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाए या रेमिटेंसेस चेंज हो जाए या टैक्सेस चेंज हो जाए इकोनॉमी में कुछ हो जाए वेजेस और प्राइसेस इमीडिएटली एडजस्ट करती हैं उसके मुकाबले में यानी कि वो शॉर्ट रन में भी इवन स्टिकी नहीं होती ये पहली एजम्पन है इस मॉडल दूसरी ये है कि जो एक्सपेक्टेशन हैं वो एडेप्टिव नहीं है बल्कि रैशनल है यानी कि जो लोग इकोनॉमी के अंदर हैं जिन्होंने डिसीजन लेने हैं उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन रैशनल है और तीसरी बात जो है चूंकि वर्किंग ऑफ द मॉडल भी हमने समझना है तो वर्किंग ऑफ द मॉडल में यह है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट करने का एक मेन वेरिएबल है वो तो बहरहाल हम थ्रू आउट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन का उसको एक्सपेक्टेशन जो है वर्कर्स की या लोगों की उसको शिफ्ट करती है अब इससे पहले हम जब भी पॉलिसी की बात करते थे हम पॉलिसी के सिर्फ इफेक्ट्स देखते थे कि पॉलिसी है तो इफेक्ट फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होंगी और अगर पॉलिसी रिस्पॉन्ड करती है यानी कि एक रिस्पॉन्ड ना करे तो रिजल्ट क्या होगा एक पॉलिसी शॉक को रिस्पॉन्ड करे तो रिजल्ट क्या होगा लेकिन न्यू क्लासिकल में एक नए तरीके से भी एनालिसिस किया गया और वो ये है कि पॉलिसी खुद दो तरह की होती है एक एंटीसिपेटेड और एक अनिपेटेड एंटीसिपेटेड से ये मुराद है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने चेंज की उसके बारे में लोगों को भी इंफॉर्मेशन है कि यह पॉलिसी चेंज हो गई है और अनएंटिसिपेटेड का मतलब यह कि लोगों की एक्सपेक्टेशन में यह नहीं था कि सेंट्रल बैंक ऐसा करेगा जबकि अनएंटिसिपेशन में सेंट्रल बैंक ने ऐसा कर दिया यानी कि वो लोगों की एंटीसिपेशन में नहीं था एक्सपेक्टेशन में नहीं था लेकिन सेंट्रल बैंक ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी यानी कि अनएंटिसिपेटेड और एंटिसिपेटेड का मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी एक्शन ले रहा है जैसे वो टाइट पॉलिसी कर रहा है या पॉलिसी रिलैक्स कर रहा है क्या लोगों को इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन थी या इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम पहला केस करते हैं अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी का अब अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी है तो इसका मतलब यह है कि इनिशियली इकोलिब्रियम वही पॉइंट वन पे है लेकिन सेंट्रल बैंक आउटपुट का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डिमांड को रिलैक्स कर देता है जब वो डिमांड को रिलैक्स करता है तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट टू पे शिफ्ट होता है लेकिन चूंकि ये पॉलिसी अनएंटिसिपेटेड है तो लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी पॉलिसी है कोई और उन्हें ये इस बारे में पता नहीं था जब पता नहीं था तो उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हुई एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हुई तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हुआ नतीजा यह निकला कि शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट जो है वो वाई पी से बढ़ के वाई टू हो गई इसका मतलब है अगर पॉलिसी अन हो तो उसके आउटपुट पे या रियल इकोनॉमिक वेरिएबल पे शॉर्ट रन के अंदर इफेक्ट्स आ सकते हैं ये न्यू क्लासिकल मॉडल का रिजल्ट है लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर जो सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी लूज की यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट को कम किया अगर ये लोगों को ऑलरेडी पता था तो फिर क्या होगा फिर ये होगा कि चूंकि लोगों को पता था तो लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में अपना बेस्ट फोरकास्ट बनाना है और बेस्ट फोरकास्ट में ये इंफॉर्मेशन शामिल होगी कि मॉनिटरी अथॉरिटी ने या सेंट्रल बैंक ने अगले टाइम पीरियड में क्या करना है पॉलिसी को रिलैक्स कर देना है जिससे इन्फ्लेशन रेट ऊपर हो जाना है तो उन्होंने पहले ही इन्फ्लेशन का फोरकास्ट ऊपर बना लिया नतीजा क्या निकला नतीजा ये निकला कि सेंट्रल बैंक ने तो पॉलिसी लूज की उससे एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हुआ लेकिन लोगों को तो ये पहले पता था तो लोगों ने पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन में ये रखा हुआ था कि ऐसा होगा उसकी वजह से उनका एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया यानी कि उन्हें पता था कि चूंकि ये ज्यादा हो जाएगा पॉलिसी लूज हो जाएगी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाएगा उन्होंने पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली और उसके मुताबिक एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई नतीजा क्या निकला कि पॉलिसी के इफेक्ट्स आए बगैर इकोनोमी पॉइंट टू पर पहुंच गई जहां पे इन्फ्लेशन रेट तो हाई हो गया लेकिन आउटपुट अपने परमानेंट लेवल पे रही अब ये फर्क है न्यू क्लासिकल का जो पिछली सारे लेक्चर्स में हमने ये डिफ्रेंसिएशन या ये डिस्टिंक्शन नहीं की कि अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी के इफेक्ट्स और तरह के होते हैं एंटिसिपेटेड पॉलिसी के इफेक्ट और तरह के होते हैं और न्यू क्लासिकल मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और वो ये है कि अगर अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी के रिजल्ट हो भी सकते हैं आउटपुट के उसके इफेक्ट आ भी सकते हैं तो अनसर्टेनिटी में ऐसा हो सकता है कि पब्लिक ने जो अंदाजा लगाया कि इतनी पॉलिसी रिलैक्स हो जाएगी अगर प्रैक्टिकली सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रिलैक्स तो की लेकिन उतनी नहीं की तो पॉलिसी रिलैक्स करने के आउटपुट के इफेक्ट पॉजिटिव की बजाय उल्टा नेगेटिव हो जाएंगे जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एडी वन के हिसाब से पॉइंट वन पे इक्विलिब्रियम था लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन बना ली कि एडी टू पे जाके गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिसी रिलैक्स करेगा और उनके ख्याल में जो है वो इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा हो जाएगा और उन्होंने उसी के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस बना ली और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से उनका ए एस इतना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया कि अल्टीमेटली जो पॉइंट टू प्राइम है वहां पे जाके इक्विलिब्रियम आया और उस इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से पॉलिसी रिलैक्स की और एडी टू पे शिफ्ट हुआ लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी उल्टा कम हो गई तो नेट कॉन्क्लूजन जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का है वो ये है कि एक तो एंटीसिपेटेड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द बिजनेस साइकिल ओनली अन एंटीसिपेटेड पॉलिसी मैटर्स और सेकंड रिजल्ट उनका है कि पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन उनकी तरफ से आई यानी कि पॉलिसी इन अ सेंस इन इफेक्टिव होती है उसका कोई रोल नहीं होता स्पेशली जब वो एंटीसिपेटेड हो थैंक यू